दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच इकरा हसन ने भाजपा पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार को 72,808 वोटों से इकरा हसन ने हरा दिया है। आपकी जानकारी बता दें कि इकरा हसन उत्तर प्रदेश सहित पूरे मेवात इलाके की चहेती नेत्री रही हैं और लगातार पूरे मेवात इलाके को ये उम्मीद थी कि इकरा हसन कैराना से जीतेंगी और उसके बाद में अब इकरा हसन मेवात इलाके के लोगों की उम्मीदों पर खराबी उतरी है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, लेकिन इस बीच इकरा हसन ने जिस तरीके से भारी मार्जिन के साथ में जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद प्रदीप कुमार को 72,808 वोटों से हराया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितनी लोकप्रियता इकरा हसन ने छोटी सी उम्र में अपने इलाके में पाई है। और साथ ही उनका राजनीतिक बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो उनके जो भाई हैं नाहिद हसन, वो पहले विधायक रह चुके हैं और साथ ही उनके जो पिताजी हैं मुनव्वर हसन, वो सांसद और उनकी माताजी हैं वो भी सांसद रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर उनका दबदबा पहले से रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लहर में प्रदीप कुमार ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन इकरा हसन ने अब उस कब्जे को ढहा दिया है और बड़ी मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। जैसे ही मेवात इलाके के लोगों को इकरा हसन की जीत की खबर मिली, वैसे ही पूरा मेवात इलाका खुशी से झूम उठा और साथ ही जो कैराना लोकसभा के लोग थे वो भी लगातार खुशियां मना रहे हैं। जगह जगह ढोल नगाड़ों से खुशियां मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को लड्डू बांटे जा रहे हैं और इकरा हसन को उनकी जीत की बधाई दी जा रही है। बहुत ही छोटी और कम उम्र में सांसद में जाकर के अपने इलाके की आवाज को दमखम से उठाने का काम अब इकरा हसन भी करेंगी। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि इकरा हसन ने 4,27,045 वोट हासिल की हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी 3,54,237 वोटों पर सिमट कर रह गए। इस मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है, 72,808 वोट हासिल करके अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरीके से इतने मार्जिन से उन्होंने हराया है। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।